Welcome friends, I am Zaheer Abbas and today I am going to start MCSE course. MCSE course basically main start karne ja raha hu kyunki kafi zyada queries aaye mere paas ke is course ke mutalliq kuch bataye. To maine socha ki ye course pura isko jo hai wo tutorials mein bana ke present kiya jaye. To inshaallah umeed karta hu aap sabko samajh aayegi, ye mera first video tutorial hai. तो MCSE बेसिकली है क्या? MCSE माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर. माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर से क्या मुराद है कि इसमें इस कोर्स में हम माइक्रोसॉफ्ट के पेपर्स देते हैं और वो हमें एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं जिससे हमारे पास ये प्रूफ हो जाता है कि हम माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर्स हैं. इसके 5 पेपर्स होते हैं, ठीक है. और इसमें क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, सिस्टम जो विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ होती है उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है, उसको एडमिनिस्ट्रेट कैसे करना है, ठीक है, उसको इंस्टॉल कैसे करना है, सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है, ये सारा कुछ इस कोर्स में हम पढ़ेंगे. MCSE बेसिकली टोटली रिलेटिंग टू नेटवर्किंग है. नेटवर्किंग में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? नेटवर्किंग में लाइक डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं, लाइक प्रिंटर्स, डिजिटल कैमराज, स्कैनर्स और इस तरह जो फाइल्स होती हैं, हमारे फोल्डर्स होते हैं, डिवाइस ड्राइव्स होती हैं, हम इनको कैसे दूसरे जो पीसीज हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं, कैसे हम दो पीसीज को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम विदाउट इंटरनेट दो पीसीज को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, प्रिंटर्स को हम कैसे जो है एक ही प्रिंटर को डिफरेंट पीसीज के साथ कैसे शेयर कर सकते हैं. तो ये डिफरेंट चीज़ें जो हैं हम इस कोर्स में इंशाल्लाह सीखेंगे. तो इसके कुछ जो कंटेंट्स हैं वो मैंने लिखे हैं, लाइक विंडोज़ में हम क्या क्या पढ़ेंगे कि ये कुछ कंटेंट्स हैं जो मैंने लिखे हैं. इससे बहुत ज़्यादा हम पढ़ेंगे, लाइक मीडिया है, केबलिंग है, टोपोलॉजीज़ हैं, यूएसबी और यूएसबी के थ्रू विंडो हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, और आईपी का कॉन्सेप्ट क्या है एमसीएससी में, डिफरेंट यूज़र्स और ग्रुप्स कैसे क्रिएट करते हैं, ओनरशिप और शेयरिंग कैसे करते हैं हम अपने विंडोज़ में, और इसके अलावा रिमोट डेस्कटॉप कैसे करते हैं हम विंडोज़ में. सर्वर की तरफ आ जाएं तो सर्वर में हम डोमेन कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, सर्वर के थ्रू हम प्रिंटर शेयरिंग कैसे करते हैं, DHCP, DNS, VPNs वगैरह डिफरेंट रोल्स कैसे ऐड करते हैं हम सर्वर में, ठीक है. और इसके अलावा एक ही PC से एक सर्वर के थ्रू हम थाउजेंड और हंड्रेड्स ऑफ कंप्यूटर्स को कैसे उनमें विंडोज़ कर सकते हैं. तो ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल्स में पढ़ेंगे. मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरा ये ट्यूटोरियल जो है वो पसंद आया होगा. मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.